बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज के व्लॉग करते हैं शुरू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शुक्रिया। और आज का व्लॉग इतना लेट इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि वालदा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए सुबह से उनकी देखभाल में लगा हुआ हूँ। और आज अभी मैं जाने लगा हूँ कसोवाल राशन का सामान लेने के लिए। मैं और मेरा एक अंकल है, वो हम दोनों जाएंगे। तो अब चलते हैं कसोवाल और वहाँ से लेकर आते हैं राशन का सामान। और जैसे ही अभी हम फाटक पे पहुँचे हैं, फाटक हमें बंद मिला है। अभी हमें ज़्यादा नहीं तो यहाँ पर कोई 5 मिनट हो ही गए हैं। दरख्त देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आवाज़ है। हमने जो सामान लेना था वो ले लिया हुआ है और अभी वो कुछ मेरे जो चाचू है वो लेने गए हुए हैं प्याज, वो प्याज लेकर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वो गए हुए हैं वो सामने। तो जो वो अभी आते हैं तो फिर हमने घर जाना। अब पहुंच चुके हैं हम घर और जो राशन का सामान लेकर आना था वो इधर पड़ा हुआ है, ये ले आया है हमने राशन का सामान। ऐसे ही मैं अभी आया हूँ तो बकरियों का चारा वो ख़त्म हो गया हुआ था, जो मैं काट कर गया था वो घर वालों ने डाल दिया हुआ था बकरियों को, और चारा जो था वो ख़त्म हो गया हुआ था। अब मैंने और सुबह के लिए, अभी तो शाम हो गई हुई है तो अब तो और नहीं डालेंगे, अब सुबह ही डालना है। तो और जो सुबह डालना था उस सुबह के लिए नहीं था। और अब मैंने आते ही बकरियों के लिए चारा काट कर रख दिया है सुबह के लिए। ये आप देख सकते हैं बकरियां चारा खा रही है और सुबह के लिए काफ़ी है ये। इसके अलावा हमारी एक बकरी का जो छोटा बच्चा है ना, उसकी आँख थोड़ी सी ख़राब हो गई है, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है चेक कराने के लिए। अभी डॉक्टर के पास जाते हैं और चेक करा कर लाते हैं क्या मसला है। तो जी आप देख सकते हैं इसकी ये वाली आँख ना, इधर दिखाऊँ ना, ये आप देख सकते हैं ये वाली ना, ये आँख ख़राब हुई है। एक मिनट इधर दिखाओ ना, ये वाली आँख ना इसकी इधर ये ख़राब हो गई हुई है। तो ये डॉक्टर को, इसको डॉक्टर के पास इसको लेकर जाते हैं और चेक करा कर लाते हैं कि क्या मसला है। तो जी ये भाई साहब अपनी भैंस का दूध दो रहे हैं। दोबारा से जाओ, दोबारा से उधर से दोबारा आओ ना। आप लोग गोली भाई की शरारतें चेक करो ये क्या कर रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ अली भाई को उसके घर छोड़ने के लिए। ये इसका हर रोज का काम हो गया है, जैसे ही शाम होती है, मगरब की अजान होने वाली होती है या हो गई होती है, तो ये मुझे मुझसे कैसा है भाई, मुझे घर छोड़ कर आओ, मुझे घर छोड़ कर आओ। और किसी से भी नहीं जाता, मैं ही छोड़ कर आता हूँ इसे। तो अभी ये देखे, जैसे मैं अभी घर छोड़ने जा रहा हूँ। चलो फिर एक और बात, जाना भी सीढ़ियों से खुद उतर कर नहीं जाना, मेरे साथ ही मैं उठा कर इसको नीचे उठाता हूँ। और अभी घर आते ही इसने मकई की रोटी उठा ली है और मुझे बोल रहा है भाई मकई की रोटी खा लो। सीन कुछ इस तरह है कि मैं जब बकरी को लेकर गया डॉक्टर के पास तो रास्ते में मेरे एक बुज़ुर्ग मिल गए। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बताया कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, इसको ऐसे करो कि शीशा नमक होता ना एक, उसको पानी में मिक्स करके इसकी आँख पर लगाओ तो ठीक हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, अगर तो ठीक होगी तो ठीक है, अगर ना ठीक हुई तो फिर डॉक्टर के पास चले जाएंगे। और जो पीछे शोर आ रहा है, इधर हमारे बच्चे गली के बच्चे खेल रहे हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। आज का व्लॉग जो है जो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।